पर कृपया ध्यान दीजिए, ट्रेन नंबर 1245 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। चलो हमें भी जाना है। चलो भैया, सामान उठा दो हमारा। चलो बहुत ट्रेन लेट हो गई। रुको, दो जल्दी का कर रहे हैं। अरे जल्दी चलो ना भैया, मैसेज करेंगे। तुम्हें क्या चाहिए? अरे भैया, हाँ जी सर। इससे पहले तुमने कितने लोगों को फांसी पे लटकाया? 8 लोगों को सर। कहाँ कहाँ पर? 3 लोगों को बेलूर में, 5 लोगों को। चना खाओगे सर? हाँ, सेहत के लिए अच्छा होता है। रस्सी लाए हो? हाँ लाया हूँ, फर्स्ट क्लास रस्सी है। सॉर्ट ऑफ मनी के लिए बनाया था, लेकिन उसका टाइम नहीं आया। पीछे बैठो। हाँ हाँ, यहाँ बैठने से मेरी जान चली जाएगी लगता है सर। मुझे किसे फांसी पर लटकाना है? तुम्हारे पिताजी को। उनको तो मरे हुए 10 साल हो गए। नाम सुना है मटकरी को? कौन है मटकरी? सूखी मच्छी बेचने वाला? सूखी मच्छी बेचने वाले को नहीं, तुम्हें जिसने ट्रेन में बैठाया उसने तुम्हें बताया नहीं हैदर मटकरी को? हैदर हो या कोई भी हो, उन सबके लिए रस्सी है। ये जिंदा लौट पाएगा या नहीं पता नहीं, इसीलिए मैंने कुछ कहा नहीं। चलो चलते हैं। अब वो कैसे नाम यार? जेल पहुंचने से पहले ही दोनों स्पॉट में चल बसे। जल्लाद अभी ऑपरेशन थिएटर में है। मिस्टर जोश नरीमन। जल्लाद कैसा है? ऑपरेशन हो गया? सॉरी सर, रमैया इज डेड। है? हैदर मटकरी को फांसी पर लटकाने के लिए तमिलनाडु से आए रमैया जुलाद का वो एक्सीडेंट में मारा गया। ये बात मंत्री जी को नेमा में ही पता चल गई। जो साथ में रहे 2 पुलिस वाले मारे गए, ये बात डीआईजी ने क्यों नहीं बताई? सर ये कोई एक्सीडेंट नहीं था सर, वो हैदर के लोगों ने किया। वो लॉरी ड्राइवर पुलिस की कस्टडी में है ना? हाँ है। वो हैदर का आदमी है ऐसा बोला उसने? नहीं। वो उसका आदमी ऐसा पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला क्या? नहीं। वो लॉरी हैदर की है? नहीं। फिर आप क्यों शक कर रहे हो? क्या चाहिए और तुम क्या चाहते हो? अगर किसी और स्टेट से हम एग्जीक्यूट करें तो तिहाड़ जेल से या दूसरी जेल से जो जल्लाद आने वाला था नहीं आया, फिर अब क्या करेंगे? किसी को कुछ नहीं पता है। एक काम करो, वो दान धर्म करने वाला अक्षय पात्र, वो तेरा दोस्त नरसिम्हा मडियार, उससे कहो वो कहीं से भी ले आएगा। मैंने नहीं पूछा ना। हमारे जेल का जल्लाद कहाँ है कुछ पता है? वो नहीं है सर, उस सब के बारे में हम जेल के एड्रेस से पता लगा लेंगे। वो हर महीने पेंशन ले रहा है, वहाँ पता किया तो वो जगह बदल कर कहीं और गया है। वो कहाँ गया ये गांव वाले भी नहीं जानते, इसलिए। तो क्या मैं मिनिस्टर हूँ, मैं जल्लाद को ढूंढने जाऊँगा? ऐसा कोई आदमी ना मिले तब तक एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ाओ। डेथ वारंट आगे बढ़ने से कोई आसमान तो नहीं गिर जाएगा। यू मे गो। मिस्टर मरार। सर। मिस्टर मरार, हमारे डॉग स्क्वाड में एक कुत्ते ने बच्चा दिया है, मेरी बीवी को कुत्ते का पिल्ला चाहिए। सर और इस जगह से कामाक्षीपुर गांव शुरू होता है,
जोश नरीमन, तुम यहाँ पहली बार आ रहे हो, सही कह रहा हूँ ना? हाँ सर, नरसिम्हा मटियार और आपके बीच बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को। मैं और जमींदार दोनों अपने सगे भाई से भी ज्यादा समझते हैं मुझे। सिर्फ जमींदार ही नहीं, अपनी जिंदगी में मुझे ही खास समझते हैं। मटियार के दादाजी एक दान करता थे, वो कामाक्षीपुरम के बहुत बड़े जमींदार थे। बस उनके ही नाम को नसीमा मटियार रोशन कर रहा है। 10-15 साल पहले सेंगो लेकर मुकुट पहनकर इस कामाक्षीपुरम में जमींदारी करते थे। उस दिन से आज तक उनकी ही नीति न्याय धर्म को पालन करते आ रहे हैं। उनके रूप के जैसा ही नहीं, उनका आचरण भी वैसा ही है। जैसे उनके दादाजी काम करते थे, वैसे ही नरसिम्हा मटियार भी काम करते हैं, ऐसा गांव वाले कहते हैं। और कट्टी नायर ने सबके सामने उन्हें अक्षय पात्र कहकर सबके सामने जो उनका मजाक उड़ाया था ना, मुझे तो लगता है कि वो एक अक्षय पात्र है। बाकी सबकी अपनी अपनी अलग राय है। जमींदार अंदर है? हाँ है, पूजा कर रहे हैं। रुक जाइए, बिना कारण के इस घंटे को मत बजाइए। ये समय बताने वाला घंटा है ना? नहीं सर, इसका उद्देश्य अलग है। इस गांव में कोई भी आधी रात के समय इस घंटे का इस्तेमाल कर सकता है। घंटे बजाने वाले का उद्देश्य चाहे कोई भी हो, उसका समाधान करने के बाद ही घर वाले खाना खाते हैं। ये खानदान खानदान से चली आ रही परंपरा है, जो अभी भी जिंदा है इस ज़माने में, अभी भी। हाँ सर, ज़माना बदल गया तो भी ये गाँव कामाक्षीपुरम के लोग ज़मींदार को देवता जैसे मानते हैं। अभी भी लोग इस घंटे को बजाते हैं क्या? हाँ बजाते हैं। ये घंटा बजाने वाली कहानी सुनाएं तो आपको पूरा इतिहास बताना पड़ेगा। पिछली बार घटी एक घटना से अभी के ज़मींदार के साथ संबंध है नरसिम्हा मटियार की कहानी। इस गांव के साथ ही रहने वाले हैं। चिंदबरम अभी रहे ज़मींदार ने कुछ पैसे उधार लिए थे, जो समय पर पैसा लौटा नहीं पाया और ज़मींदार के वक्त मांगता गया। वैसे एक दिन नहीं पता भाई। Thank you.
चिदंबरम। अरे जमींदार मालिक आप। आप किसी को बुलावा भेज देते तो मैं खुद वहां पर चला आता। यहां बैठने का भी कुछ नहीं है। नहीं, किसने ये चिट्ठी लिखी है? चिट्ठी? मुझे कुछ नहीं पता जमींदार मालिक। कौन है मैथिली? मैथिली मेरी बेटी है। उसे बुलाओ। मैथिली। ये चिट्ठी तुमने लिखी है? इसे पढ़ो, पढ़ो। नरसिम्हा मडियार की जानकारी के लिए। पूरा पढ़ो। धंधा का कोई अनुभव ना होने के कारण मेरे पिताजी आपके पास पैसे के लिए आए। उससे धंधा करने के बाद सारे पैसे का नुकसान हो गया। आपने हमें बहुत वक्त दिया, लेकिन मेरे पिताजी समय पर आपका पैसा लौटा नहीं पाए। पैसा लौटा नहीं पा रहे थे, इसीलिए बार बार समय मांगा आपसे। वो आपसे बहुत ज़्यादा डर गए, आत्महत्या करने की कोशिश की। इससे मैं बहुत घबरा गई। इस घर में मेरे जेवर और रहने की जगह, जेवर जगह मैंने सब गिरवी रख दी। लेकिन इसके बाद भी आपसे लिए पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ये काम किया कोई और रास्ता ना नज़र आने के कारण, क्योंकि आपसे लिए पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। आपसे लिए पैसे इतने पैसों में पूरे नहीं हो पा रहे थे। और क्या करती, आपकी विश्वासी चिदंबरम की बेटी मैथिली। आपने अपनी बेटी से यह काम करवाया है? कामाक्षी देवी की कसम, मैं इस चिट्ठी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। पिताजी की जानकारी के बिना मैंने ये चिट्ठी लिखी। घंटा बजाकर ये चिट्ठी और सामान रखकर क्यों भागकर चली आई थी? तुम्हारे घर का कागजात और गहने रखने से भी पूरा नहीं होता, बाकी के पैसे कब लौटाओगी? वो हम काम करके कैसे भी आपको लौटा देंगे। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, तुम ही जवाब दो। हम कोई भी काम करने को पूरी तरह तैयार हैं। नरसिम्हा मडियार की बीवी बनना तुम्हें मंजूर है? जमींदार मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके सामने खड़ा रहने की हमारी औकात तक नहीं है। मैं आपके जाति और गोत्र के बारे में नहीं पूछा हूँ, विवाह के बारे में पूछा हूँ। अगर मैथिली को पसंद हो तो अगले किसी मुहूर्त में कामाक्षी देवी के मंदिर में तुम नरसिम्हा मडियार की बीवी बनोगी। ये घंटा और इस घंटे की कहानी बहुत अच्छी है। इस तरह की और बहुत सारी कहानियां हैं सर। हाँ, हमारी सेंट्रल जेल का जल्लाद, उसे हमने हर जगह ढूंढा फिर भी नहीं मिला। तो तिहाड़ या यड़ावाड़ा जेल से एग्जीक्यूटर को लाने की कोशिश की तो वो लोग आने को तैयार नहीं हो रहे थे। मगर हैदर मडकरी को लटकाना है ये जानकर वो लोग कुछ जवाब दिए बिना ही आने से इनकार कर दिया। फिलहाल तमिलनाडु के गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट रमैया को बुलाया था, लेकिन उसने भी मना कर दिया। अब मैं क्या करूँ? नरसिम्हा, तुम बताओ मैं क्या करूँ? एक रास्ता है उस जेल के जल्लाद को ढूंढने का, उसका नाम क्या है? भैरव। वो चाहे कहीं भी हो, उसे ढूंढना ही होगा। मैं अपनी सर्विस से रिटायर होने से पहले मडकरी को सजा दिलाकर रहूंगा।
क्या हुआ, जल्लाद के बारे में पता चला? हमने बहुत ढूंढा सर, लेकिन भैरव कहाँ है कुछ पता नहीं चला। तुम्हारे सैल्यूट से ही पता चल गया था कि भैरव तुम्हें नहीं मिला। जल्लाद मर गया है ऐसा हमें पता चला है सर। सबने मिलकर उस आदमी को मार डाला। अब अगर कोई रास्ता नहीं है तो जेल में रहने वाले किसी को भी जल्लाद का काम करने के लिए ला सकते हो क्या? बताओ मुझे, ऐसी कोई तैयारी की है? सर सर, लेकिन कोई तैयार नहीं है सर। सर हमें जल्लाद की जरूरत है, ऐसा हम न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे दें तो, नहीं तो पीएस द्वारा दिया जाए तो। भैरव अगर जिंदा है तो वो जरूर आएगा, उसे ढूंढ कर निकालने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट कर सकता है। सर भैरव जिंदा है और वो कहाँ है हमने ढूंढ निकाला है। वेरी गुड, अभी वो कहाँ है सर? मिस रामदास, हमें कुछ स्पेशल मैटर डिस्कस करना है तो। सर तुम जल्लाद को ढूंढ कर निकल लिए, तुम केवल सब इंस्पेक्टर हो समझे? इस खाकी वर्दी में बहुत गर्मी होती है, ये हैदर ने दिया है, तुम कह दो कि वो कहीं भाग गया। सॉरी सर, हैदर को फांसी पे लटकाने के बाद वेलंकनी में जाकर मैं अपना मुंडन करवाऊंगा, ऐसी मन्नत रखी है मैंने। तेरी सर्विस की तो मैं, अब तक की सर्विस में मेरा कोई काला दाग नहीं लगा है सर, अगर लगा भी तो कोई परवाह नहीं। और हाँ सर, आप कल जल्लाद का सुबह चेहरा देखेंगे, वो भी भैरव का चेहरा। चलता हूँ सर। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? स्वामीनाथ और तीन लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, मंदिर के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। अभी नहीं मिलना चाहता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या आज आप अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे? आपसे मिलने वाले कितने लोग हैं, क्या आप किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे? आप जमींदार हो, आप सबका तकलीफ दूर करते हो। तुम उनसे बात करो, उन्हें क्या चाहिए, जाओ पूछो। चले गए। आपको क्या तकलीफ है? मुझे मेरे भाई की याद आ गई, इस वक्त कौन आया होगा? मैं मरार, मुझे माफ कीजिए, मैं पीकर आया हूं। बहुत मुश्किल से उस भैरव की जगह को ढूंढ निकाला। जोश नरीमन को उसे बुलाकर लाने को भेजा था, मगर उसने कहा कि वो काम नहीं करेगा, उम्र हो गई है उसकी। उस आदमी को भी हैदर मडकरी ने खरीद लिया क्या? हो सकता है। भैरव को बुलाता हूँ मैं। आपके बुलाने से आएगा? आप पुलिस वाले बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा। वो कहाँ रहता है? तमिलनाडु के बॉर्डर से सिर्फ 5-6 घंटे का ही रास्ता है। मुनीम जी। जी। भद्रा को गाड़ी तैयार करने के लिए कहो। मैं नहीं, बाहर जाते समय मैं फालतू बातें नहीं सुनना चाहता। चलिए। हाँ ड्राइवर। यस सर। इस कार को फॉलो करो। ओके सर। हम्म।
वैसे मैं सही बताऊं तो जल्लाद बहुत बड़ा वीआईपी है, इसलिए हम उससे यहाँ मिलने आए हैं। मुझे डर लग रहा है साहब, दो दिन पहले एक पुलिस वाला आकर मिला था, मैंने सब कुछ बता दिया। अच्छा ऐसा है, सजा देने का अधिकार सिर्फ जज को है और मारने का अधिकार तुम्हारा है। नहीं, मैंने मारने का काम बंद कर दिया। अचानक तुमने ये काम बंद क्यों कर दिया, क्या कारण है इसका? जज आंखों पर पट्टी बांध कर सजा दिया करते हैं, लेकिन गले में रस्सी डालकर मारने का अधिकार जल्लाद का ही होता है। इस दुनिया में जल्लाद के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं। ईश्वर खुद ही धरती पर आकर काम करने वाला काम आप ही कर रहे हो, यह सबसे बड़ी बात है। एक कातिल को मारने के लिए आपको मिलने वाले 150 रुपए बहुत ही ज्यादा कम है। सोचो मत, अपना काम शुरू करो। पैसा नहीं चाहिए मालिक, मुझे मेरी जान प्यारी है, मुझे माफ कर दीजिए। चलो चलते हैं। साहब रुकिए, इस आदमी का काम मैं करूंगा। आप कौन हो? मैं काशी हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। ए, मुझे किसने कहा बात करने के लिए, चल अंदर आ। अरे भगवान ने मौका दिया तो तुम क्यों छोड़ रहे हो? सारे गांव वाले पूछने लगे कि तुम्हारा भाई काम पर क्यों नहीं जाता, लोगों को मारने की खुशी और कहीं नहीं मिलेगी, तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो पेंशन मिलता है। मैं आ रहा हूँ सर। इससे पहले तुमने किसी को मारा है? हाँ, मैंने बकरे को मारा है। मुझे फांसी पर कैसे लटकाना है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भाई के साथ बहुत गया हूँ। पहले फांसी की रस्सी में मक्खन लगाना, रस्सी की ताकत को चेक करना, आदमी को पीछे से बांधना, ये सारा काम मैंने किया है। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे भाई से पूछ लीजिए, लेकिन आप चिंता मत करिए। साहब ये पागल है। आप अंदर जाइए, मर्द हो तो हिम्मत होनी चाहिए, भले ही जान क्यों ना चली जाए मगर अपनी वीरता को खोना नहीं चाहिए। मुक्ता महाराज ने हमें सिखाया है, ये हमारा खानदानी काम है। बहुत लोगों को मारने वाले हैदर को तुमने फांसी पर लटकाया, ऐसा इतिहास बनेगा। पूजा करके तैयार रहना, तो कल तुम्हें जोश नरिमन लेने आएगा। अरे सर ये काम कल नहीं हो सकता, इस काम को करने के लिए 3 दिन की पूजा और हमारी भगवती देवी को एक मुर्गा पूजा में देना होगा। ठीक है, उसके बाद तैयार रहो। ये रख लो। शुक्रिया सर। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ भद्रा, तुम्हें 3 दिन के लिए यहीं रहना होगा, सावधानी से रहना होगा। हाँ। काशी जल्लाद बनकर सेंट्रल जेल जाने तक उसे सुरक्षित रखना होगा। ठीक है। लो। क्या आपने मुझे पहचान लिया? श्रीनाथ, मड़ियार से हूँ मैं, ये कार खरीदने वाला, अभी आप पहचान गए, सही कह रहा हूँ ना? हाँ। सच कहूँ तो इस कार के आने से मेरी किस्मत ही बदल गई, इसकी वजह से मेरा मान सम्मान बढ़ गया। भैया गाड़ी ट्राई करके देखिए। भाई सब ओके इसमें। ये लीजिए, आप बस ट्राई करके देखिए, लीजिए आप भी जाइए, जाइए ना, आप भी जाओ। नहीं हाँ,
गाड़ी कैसी है? अच्छी है, लेकिन सारे नंबर जोड़े तो 8 आ रहा है, 9 होता तो अच्छा होता। कोई भी नंबर हो, क्या फर्क पड़ता मुनीम जी। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। क्या आप भी? कैसी लगी? अच्छी है ना गाड़ी? बहुत अच्छी है। हाँ, पुजारी जी ने गाड़ी ली है, पूजा करके दीजिए। पुजारी जी, हाँ? ये जिसने भजन गाया वो कौन है? वो कुंजाकनन की बेटी है। कुंजीकनन की बेटी हो? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? माया। तुम्हें बचपन में देखा था, उसके बाद से नहीं देखा। मैंने 4 साल म्यूजिक एकेडमी से कोर्स किया है, अब जाकर कोर्स खत्म हुआ। मैंने सुना आपका भजन बहुत अच्छा था, आप मुझे जानती हो? आप हमारे जमींदार के भाई हो ना? मैथिली दीदी से कहना मैंने याद किया। आप उन्हें जानती हैं? हाँ, अच्छे से जानती हूँ। हम मंडियार के स्कूल में साथ में पढ़ते थे। अपनी शादी के बारे में मैथिली दीदी ने चिट्ठी लिखी थी, मेरा एग्जाम होने के कारण मैं नहीं आ पाई। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, बड़े घोड़ा गाड़ी से जमींदार जाते थे, वो हम देखते थे। उस पर बैठने के लिए मैथिली दीदी हमेशा चाहती थी। हमारे जमींदार जी बहुत बड़े दिल वाले हैं। उस लड़की का नाम क्या है? माया। माया। मैथिली, आज सुबह सुबह कुंजी कन्नन के घर जाना होगा। किस लिए भैया? उससे मंद के बारे में बात करने के लिए। तुम्हें कोई तकलीफ? मुझे कोई एतराज नहीं, किसके लिए? मैथिली, हमारे छोटे के लिए उस घर से लड़की ला सकते हैं क्या? एक नंबर होगा। देवर जी को गाना गाते वक्त मैंने देवर जी की हरकत देखी है। अरे बैठो बैठो बैठो। भैया आप भी ना। जरा सा दाग है तो भी जमींदार का नाम खराब होगा। वो तुम्हें पसंद है? ये क्या है भैया? अरे मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आप इनसे बात करो। अरे रुक तो। हाँ एक बात और, उस कुंजी कन्नन के पास हमारा कोई भी पैसा बाकी वाकी नहीं है। अच्छा ही है, शादी की बात करना है, उसके घर से हमें क्या मतलब? ये मुनीम जी तो हमेशा पैसे के लेन देन पर ही ध्यान देते हैं और कुछ नहीं। ये क्या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूं? जमींदार की बातें सुनकर मैं तो हवा में उड़ने लगा हूं, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। थोड़ी देर पहले इसकी कुंडली ज्योतिष को दिखलाया था तो उन्होंने कहा कि इसकी शादी तो एक बहुत बड़े घर में होगी। जमींदार आप जैसे चाहो वैसे होने दीजिए, अब आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। एक अच्छा सा मुहूर्त देकर करवा देते हैं। ठीक है जी। हाँ एक अच्छा सा मुहूर्त देकर करवा देते हैं। ठीक है जी। हाँ मैं और मुनीम जी दोनों जाकर ज्योतिष से मिले थे, इस महीने की 6 और 14 तारीख शुभ मुहूर्त बताए हैं। 14 तारीख को रख देंगे, तभी तो हमें मौका मिलेगा। हमारी शादी जल्दी होने से हम जैसे सोचे थे वैसा नहीं हो पाया, मगर ये शादी वैसी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। 3 दिनों तक शादी, घर के आगे पांडाल बनाना होगा, सभी को बुलाएंगे। इस कामाक्षीपुरम गांव में कभी नहीं हुई ऐसी शादी करेंगे, सभी गांव वाले खुश हो जाएंगे। अब तुम ही उसके माँ की जगह सारी जिम्मेदारी निभाओगी। मैं समझ गई। पुराने रीति रिवाजों पर ध्यान मत दो। तुम्हें किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो मुनीम से पूछ लेना। Thank you.
कौन हो? कौन हो? क्या चाहिए? मेरा नाम भद्रा है, मैं दूसरे गांव का हूँ, वहाँ से यहाँ आया हूँ। क्या समस्या है? मैं इस गांव की एक लड़की से प्यार करता हूँ, अभी उसके पिताजी उसकी मंजूरी के बिना किसी दूसरे से शादी करवाने का फैसला किया। इस गांव की लड़की, उसका नाम क्या है, उसके पिताजी कौन है? लड़की का नाम माया है, उसके पिता का नाम पौबती कुंजाकन। बेकार की बातें मत करो मैथिली, हमने माया की मंजूरी के बिना शादी तय की है। हाँ सही बोले आप, मैं नौकरी इस गांव से बहुत दूर करता हूँ, माया की चिट्ठी मिलने के बाद मुझे सारी बातों का पता चल गया, मुझे उसके पिता से मिलने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। उसके बिना नहीं रह सकता, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती, आप हम दोनों को अलग मत होने देना। तुम्हारी सारी बातें सच हैं क्या? क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर उसने इनकार कर दिया तो? आप जो भी सजा दोगे मैं तैयार हूँ। जमींदार सवाल पूछ रहा है इसलिए डरो मत, शादी तय हो चुकी है, इस बात पर भी मत ध्यान दो, मुझे जानना है सच, इसने जो कहा सच है क्या? तुम दूसरों की बातों को आसानी से कैसे मान लेते हो? मैं कुंजा कन्नन से बात नहीं कर रहा, तुम किसी से डरो मत, खुलकर बोलो। भद्रराज ने जो बताया वो सारी बातें सच है। बेटी की मंजूरी के बिना शादी तय की? हाँ जी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे डांटो मत, मैंने तुमसे बहुत बार पूछा था तब तुमने कहा मेरी बेटी को सब मंजूर है, आपने अपनी बेटी से मंजूरी ली? तुम्हारी अच्छी नौकरी होगी तो तुमसे शादी की बात करेंगे, आपने वादा किया इससे? मैंने तो सबसे पहले ही कह दिया था मैं अपनी बेटी को इससे शादी नहीं करवाने दूंगा। तुम इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ ये शादी नहीं होगी। शादी होगी और ये लोग साथ में भी जाएंगे। जमींदार, मैं आपका मान सम्मान करता हूँ, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका गुलाम हूँ। आप अपने भाई के साथ शादी नहीं करवाओगे, वो चलेगा आपके लिए, लेकिन मेरी बेटी की शादी, इसकी शादी का फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं ही करूँगा, किसी भी सड़क छाप लड़के से शादी नहीं करवाऊंगा मैं। कुंजा कन्नन, अगर मैं अपनी मर्जी से लड़की को उठाया होता तो आपकी बेटी की जैसी लड़की बहुत मेरे घर में होती, अपने पसंद की लड़की के साथ मडियार ने शादी की है और लड़की के पिता की मंजूरी से शादी की है, अगर इसमें कोई कमी है तो मैं पूरा करूंगा। इस शादी के लिए आपको मंजूर हो या ना हो, लेकिन इसकी शादी पूरे धूमधाम से होगी, ये मेरा वादा है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, शादी मैं करवाऊंगा। छोटे, तुमने जिस लड़की को पसंद किया था उसके लिए तेरा भाई तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, इसे भगवान का आशीर्वाद भी होना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो पाई। ये कैसी बात कर रहे हैं भाई, गलती मेरी है, उसके मन में क्या है ये जाने बिना मैंने फैसला कर लिया। भद्रा के आने के बाद भाई की जगह पर मैं होता तो शायद मैं भी यही फैसला करता। भाभी की मंजूरी से ही आपने ये शादी की, यह हमारे सम्मान की बात है। कामाक्षी माता आशीर्वाद बनाए रखे तुम पर,
हर इच्छा पूरी हो। शादी में नहीं शामिल हुए, इससे दुखी मत हो। उनका गुस्सा एक न एक दिन जरूर ठंडा हो जाएगा। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। क्या है? अब लंदन में मुझे MBA में एडमिशन मिला है। पिछली बार मैंने इंग्लैंड में 3 साल MBA का कोर्स करने को कहा था तो आपने मना कर दिया था। आज के जमाने में इंग्लैंड में MBA में एडमिशन मिला तो बहुत भाग्य की बात है। तुम्हें गोद में बैठा कर कलम से लिखना पिताजी ने सिखाया है। अच्छा है, तब उन्होंने कहा था वीर सिंह को विदेश में पढ़ने का भाग्य है, ये बात मैं भूल गया। एक दिन भी मैंने तुम्हें अपने से दूर नहीं किया है, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया था। मगर आज सामने से आए मौके को ठुकराने वाला इंसान नहीं हूं। अभी तुम्हें बदलाव जरूरी है। रहे हो? हम कुछ नहीं। मैं आप पर ध्यान नहीं दे पाई, बात क्या है बताइए। नहीं, नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। जॉब करते थे वो पहला वाला काम? अभी वहां काम करना ठीक नहीं होगा। ऐसा क्यों? कहा ना अच्छा नहीं होगा। अरे तुम की औलाद, हमें धोखा देकर तू यहाँ खुशी से जिंदगी जी रहा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मारो इसे। अरे सुनिए, छोड़ दीजिए। सीरिता, मालिक, मालिक कहाँ हो? मालिक, अरे अरे कोई है? मालिक आप कहाँ हैं? मालिक दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। मणिहार मालिक कहाँ है? भाई घर पर नहीं है। अरे अरे क्यों, हुआ क्या बताओ? कुछ गुंडे मेरे पति भद्रा क्या? को आओ मेरे साथ, मेरी मदद करो। Huh?
कुछ चीज़ें दी मुझे, उनके बताए जगह पर मैं पहुंच गया। ज़रूरत की वजह से मैंने वो काम किया। मेरे काम को पसंद करके उन्होंने मुझे एक और बड़ा काम दिया। वो काम ये था कि किसी को जान से मारना है। किसको जान से मारना था? DIG मरार। मरार सर ही हैदर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं DIG को नहीं मार सकता, ऐसा मैंने कह दिया। वो काम किसी दूसरे आदमी को सौंप दिया। उसने दो बार मारने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो पाया। तब मुझे माया की चिट्ठी मिली। मैं किसी को बताए बिना यहाँ आ गया और वो लोग मुझे ढूंढते यहाँ आ गए। तो वो लोग तुम्हारा हिसाब किताब चुकाने के लिए आए थे? तो तुम अब क्या करना चाहते हो? एक तरफ हैदर के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ ये मासूम लड़की है जिससे तुमने शादी की है, उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। तुम क्या काम जानते हो? यहाँ पर काम करोगे? मैंने BA तक पढ़ाई की है और मैं ड्राइविंग जानता हूँ। और फिलहाल तुम्हें रोजी रोटी की ज़रूरत है, समझे? अभी के माहौल में तुम दूसरा काम मत ढूंढो, यहाँ रहो इस घर में। ये क्या? तेल है। भैया ने दिया क्या? भाई ने नहीं, भाभी ने दिया। तुलसी और लाल फूल से बनाया हुआ तेल है, मना मत करना। तुम जा कब रहे हो? मैं अभी पेटी लेकर टाउन जाऊंगा। पासपोर्ट का इमिग्रेशन क्लियरेंस लेकर सर्टिफिकेट लेना है। आज रात को मरार सर के घर ही रुकूंगा। कल सुबह फ्लाइट से मुंबई और वहां से लंदन। मदद मांगने वालों की मदद करना ये मडियार की आदत है, नरसिम्हा मडियार की ही आदत है, और यही स्वभाव मेरा भी है।
तुमसे बोलकर मुझे कोई फायदा नहीं है। आखिर तुम माड़ियार के ही भाई हो ना, तुम किसी भी चीज में उनसे कम नहीं हो। उस शैतान क्रिमिनल को आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया डैडी? उसके खिलाफ एक छोटा सा भी सबूत अभी तक मिला है क्या? अपने डिपार्ट वाले पाल पोस कर सांड जैसे बड़ा कर रहे हैं। तो अंकल भी उसी की साइड में हैं। उसके लिए ही उसने मुझे जान से मारने की दो बार कोशिश की है। एक बार वो मुझे पूरे 24 घंटों के लिए कस्टडी में मिला था। मैंने उसकी सारी कुंडली निकालने की कोशिश की, तभी ऊपर से कॉल आया और वो बच गया। तुम्हें तो पता है, यहाँ ऐसा ही होता है। हेलो, हाँ ठीक है, हाँ इमिग्रेशन ऑफिस से था। तुम्हारा पासपोर्ट रेडी है, आते समय टिकट भी कलेक्ट कर लेना। ठीक है कल। प्रताप तुम भी इसके साथ जाओ। हाँ कल तुम्हें भेजने के लिए मंडार आ रहा है, तो तुम तैयार है ना? भैया ने बोला वो सुबह सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। क्या अब हम मराठ सर के घर जा रहे हैं? हाँ नहीं, सीधा एयरपोर्ट चलो, 5 बज गए हैं। कितने बजे की फ्लाइट है? 7 बजे का। क्या हुआ? हाँ वीर सिम्हा की कार। भैया आप मेरे गुरु समान हो, एक अच्छे काम के लिए जा रहा हूं, आप मुझे खुशी खुशी भेजिए ना भैया। चलिए साहब, चलो। भगवान मेरे भाई की रक्षा करना। सुनो पीछे जाकर बैठो। कोई बात नहीं साहब, मैं पीछे जाकर बैठता हूँ। सर मैं भी जीप में आऊँ? नहीं नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, तुम वापस जाओ। उस जीप को फॉलो करो।
सुनो, पीछे जाकर बैठो। कोई बात नहीं साहब, मैं पीछे जाकर बैठता हूँ। नहीं नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, तुम वापस जाओ। जीप को फॉलो करो। काशी जीप में रहो। बाहर निकल, छोड़ दो मुझे। अरे अरे छोड़ो सर। यह है हैदर को फांसी लटकाने वाला जल्लाद। तुम दोनों को सूरज उगने से पहले अरब सागर में डुबा दूंगा, ठीक है? अरे बाप रे, चल बे, चल जल्दी चल। पेड़ पर बांध दो। काशी कहां पर है? मैं यहां हूं साहब। सब भागे क्या? कोई बचा तो नहीं? मैं आ जाऊं क्या साहब? आ जाओ। खाकी वर्दी और टोपी तो डिपार्टमेंट दे सकता है,
लेकिन हिम्मत और आत्मरक्षा जन्म से होनी चाहिए। हैदर के लोगों ने गन का इस्तेमाल किया, लेकिन मारडियार के आदमी ने तुम्हारी रक्षा की। अपनी खुद की ताकत, हिम्मत और वीरता, ये सब अपने अंदर ही होनी चाहिए। ये ना तो डिपार्टमेंट देता है और ना ही कोई और देता है। हिम्मत और वीरता दोनों अलग अलग होता है DIG साहब। दिन भर खाकी वर्दी पहनकर रहने वाला एक इंसान, मेरे हाथ में लाठी के अलावा और क्या है सर? तुम्हारी रिवॉल्वर कहाँ है? मैं एक डेंजर ऑफिसर हूँ ये कहकर 2 महीना पहले SP ने वापस ले लिया। तो ये आदमी क्या करेगा? सच क्या है ये जाने बनाए से डांट दिया। बुलेट प्रूफ के साथ रहने वाले क्रिमिनल्स के पास ये क्या कर सकता है? आप लोग ही उसे सल्यूट करते हो, उसके ऊपर डेथ वारंट होने के बाद भी। हैदर डीलक्स वार्ड में रहता है और सब लोग उसे सल्यूट ठोकते हैं। फांसी पर लटकाने वाले कैदी को एक दिन भी उसे सेल में रखा है क्या? उसे फांसी देने से पहले सिर्फ एक रात के लिए उसे उस सेल में डालने की हिम्मत रखते हो क्या? नहीं हो पाएगा ना तुमसे। एक रात के लिए उसे उस सेल में नहीं रख सकते तुम लोग। क्या कर सकते हो तुम? तुझे हैदर मडकरी की हिफाजत के लिए लगाया था या फिर इन लोगों को शराब पिलाने के लिए? हॉस्पिटल वार्ड में शराब पी रहा है, चल निकल। बोल हैदर मडकरी कहाँ पर है? इंटेंसिव केयर में है। जब तक मैं नहीं बोलूं उन्हें छोड़ना मत। नरीमन, आइए आइए मिस्टर मरार। मरार सर आने वाले हैं, मैंने इनसे अभी ही कहा था। जल्लाद का भी मुझे अभी पता चला। कैंडम सेल में रहने वाला कैदी यहाँ लेटा है तो DIG को शौक तो लगेगा। आपको खुश करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें फांसी पर लटकाने से मुझे, मैं तुम्हें कॉन्टमेंट सेल में ले जाने आया हूँ, वहाँ पेशेंट का ख्याल रखा जाएगा। तो यहाँ मारने के लिए नियम का आदेश आने दो। तो यही मारने के लिए नियम का आदेश आने दो। आपको थोड़ा रहम करना चाहिए, ये पेशेंट है। प्रधानमंत्री कहेगा तो भी मैं ये नहीं मानूंगा, ठीक है? मिस्टर मरर, इन्हें हथकड़ी मत लगाइए। अगर मैंने फांसी पर लटकने वाले गुनहगार को, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी। मैं MLA बोल रहा हूँ, इन्हें हथकड़ी मत लगाओ। होम मिनिस्टर बोले तो भी मैं हथकड़ी लगा कर जाऊंगा। सुनो DJI, अगर मैंने तेरी खाकी वर्दी उतार कर तुझे उल्टा ना लटाया तो मैं 5 वोट जीतकर MLA बने हो, ज्यादा उछलो मत, चुपचाप रहो, समझ गया ना? चल जाए यहाँ से। भाई साहब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं होम मिनिस्टर को फोन करता हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, DIG के चाहे तो मुझे लटकाना चाह रहे हैं तो लटकाने दो। एक मिनट रुको रामदास। सर, इस सेंट्रल जेल में ये तुम्हारी अधिकार है ना, अपने नियम से सब होने दो। नया मेहमान है, अपने आप दोनों हाथों से इसका स्वागत करो। स्वागत थप्पड़ से करना है, चलो मारो। सर सर नहीं, बोलो मत कि तुम्हें आदेश देने वाला ऑफिसर बोल रहा हूँ,
चलो थप्पड़ मारो इसे। मारो सर। मारो। भाई साहब यहाँ आइए, मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। हे, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। हम यहाँ पर सबसे छुपे, सबके सामने नहीं जा सकते, याद रखना। नहीं, मुझे थोड़ा मक्खन चाहिए रस्सी को मजबूत रखने के लिए। गर्दन में जब रस्सी डालेंगे ना, तो रस्सी का दाग गर्दन पे नहीं आना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए तो अरे ये सब्जी मैं काट देता हूँ, जब मैं हूँ तो आपको काम करने की क्या जरूरत है। हैदर को फांसी में लटकने तक ये परिमाण कोई गलती नहीं होने देगा। और एक बात, रस्से में मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, उसने बहुत लोगों को मारा है, उसे दाग लगने दो, कोई बात नहीं। अंदर जाओ। वो तुम हो, यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं है? अरे नहीं। हैदर को फांसी में लटकने तक हमें सावधानी से रहना होगा, खासकर काशी को। हाँ। ये भगवान, अभी काशी की कितनी कीमत है, बहुत लोगों को मेरी हिफाजत करनी है। तुम्हें बाहर आने को किसने कहा? चलो अंदर, चलो अंदर। कौन हो तुम? मैं काशी, नया जल्लाद, मेरा भाई भैरव है, मुझे इस काम का आदेश मिला है। तुम्हारा भाई मर गया है क्या? जब तक महापापी लोग जिंदा रहेंगे साहब, तब तक मेरा भाई कैसे मरेगा। तुम्हारा भाई तो काम छोड़कर चला गया था, लेकिन तुम क्यों आए हो? पापियों को फांसी में लटकाने का मजा ही कुछ और है। हैदर कौन है तुम जानते हो? ये चाय बनाने जैसा आसान काम नहीं है। पानी के बिना कभी चाय नहीं बनती है साहब। तुम मेरे ही सेंट्रल जेल में हो, मेरे ही सामने जुबान लड़ा रहे हो, ठीक है? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। हैदर को मैं कैसे भी नहीं मार सकता, ऐसा लिख कर दे आओ, बाकी को मैं संभाल लूंगा। अभी तक 8-10 लोगों को मेरे भाई ने फांसी पर लटकाया है, अभी मैं बहुत बड़े कातिल को फांसी में लटकाऊंगा। आप फालतू की बातें मत कीजिए, मुझे काम पर लगाइए, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुझे तो मार रुकिए सर। क्या है सर? आप अपनी वीरता और बदला इससे मत निकालिए, क्योंकि जेल के अंदर और बाहर इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये रहा सरकारी आदेश। बहुत से लोगों को मारा है इस हैदर ने, मुझे फांसी में लटकाओगे तुम। मैं मारने से पहले तुमसे मिलना चाहता था। जेल में एक आदमी को लटकाओगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? पुण्य मिलेगा और 150 रुपए भी। मैंने जो बोला है बस उसका जवाब दो, एक्स्ट्रा मत बोलो, ठीक है? मुझे पुण्य ही जरूरी है। बकरा काटोगे तो और ज्यादा पैसा मिलेगा, मैंने तुम्हें बुलाया तुमसे मिलने के लिए। मुझे पुण्य ही जरूरी है, सही कहा ना सर? तुम मुझे फांसी में लटकाओगे तो मैं भी नहीं मरने वाला। मुझे किसी को मारने के लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं, और तुम्हें माफ़ करूँगा तो भी, लेकिन मुझे मारने के लिए मेरी अनुमति चाहिए। चल निकल। सुनिए एसआई साहब, आप डीआईजी के साथ देने वाले में से,
हमारे बीच हिसाब किताब बाकी है। मेरे दिमाग में सब हिस्सा बाकी, आप टेंशन मत लो। क्या हुआ भद्रा? कल सूरज उगने से पहले हैदर मणिकर को फांसी पर लटकाएंगे। फांसी देने के बाद लाश को अंदर से बाहर नहीं ला सकते। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग इसकी मदद से कलेक्ट कर लेना। भाई साहब, मैयत आपके गांव में आ गई। तेरी तो तुझे मार डालूंगा। नहीं भाई। चल बे। Under the above circumstances, I hold the accused Hyder Madikar is convicted for murdering of Pratap. And Virsimha on 8/8/1989 in the substance of... बस यह मैंने बहुत सारे पढ़ते हुए सुना है। यह कैसा भेष है? जहां तक मुझे पता, जल्लाद के नियम के अनुसार रंग काला, कानून को तोड़ने वाले का रंग खाकी, यही है ना? आखिरी बार तुम कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मुझे फांसी पर लटकाने का काम आपसे नहीं हो पाएगा। हेलो कंट्रोल रूम, दिल्ली से मैसेज है, प्लीज चेक करें। हेलो, 5 मिनट बाकी हैं, सब लोग तैयार रहो। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो कंट्रोल रूम, यहाँ पर एक घटना घटी है। हेलो सेंट्रल जेल, ये पुलिस वायरलेस है, दिल्ली से अर्जेंट मैसेज आया है। तमिलनाडु के तंजावूर में हुए एक्सप्लोजन में वाइस प्रेसिडेंट वैदलिंगम जी हादसे में मारे गए हैं। पूरे इंडिया में एक दिन का शोक मनाने का आदेश है और हैदर का एक्सक्यूशन एक दिन के लिए रोकने का आदेश है। मरेगा उस मान के लिए मेरी तरफ से एक मोमबत्ती जला देना। हम्म।
एक दिन, सिर्फ एक दिन। एक दिन नहीं, इस जन्म में आप हैदर को फांसी नहीं दे सकते, वो आगे भी बच जाएगा। उस दिन जो मैंने आपसे वादा किया वो गलत साबित हुआ। वो कैसा वादा? कुछ नहीं। अभी तो आपने कहा। कुछ नहीं कहा ना। फांसी से बचने के लिए 10 लाख का खर्च हुआ। खर्च हुआ तो कोई बात नहीं, जैसा मैंने कहा था उसने वैसा ही मेरे लिए काम किया था। उस आदमी का क्या नाम है? जोगेंद्र, तमिलनाडु में ऑपरेशन में किया हुआ, अब तक का सबसे बड़ा कत्ल था ये। अली, चेन्नई में अपने एजेंट से बोलकर मेरे तरफ से उसे स्पेशल सम्मान दे देना। हाँ, लेकिन एक दिन बाद? बस एक दिन बाद ही ना, तब की तब देखेंगे। तुम लोग चिंता मत करो। लेकिन एक दिन बाद? एक दिन के बाद ही ना, तब देखेंगे। तुम लोग चिंता मत करो। एक दिन बाद फांसी में लटकाएंगे ना। तुम्हें शक हो रहा है? शक नहीं। वैसे जल्लाद को सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। ज्यादा बातें घुमा मत। क्या बात है? हैदर की आपसे दुश्मनी होने का कारण क्या है? जो मरा है वो जमींदार का भाई था, वो आपका तो कोई रिश्तेदार था नहीं। काशी की बात का बुरा लगे तो मुझे माफ करिएगा। मैं जो ये यूनिफॉर्म पहनता हूँ ना, उसका कारण वो हैदर है। अरे पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने से पहले मैं दूसरा यूनिफॉर्म पहना करता था। मैं सेवा करता था, मैं कॉलेज में बाइबल पढ़ता था। मेरा इंस्पेक्टर बनने का कारण हैदर ही है। बचपन से ही मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था। मैं SI सिलेक्शन तक पहुंचा, तब मुझे पता चला कि कारावली के मैथ्यू नरीमन किसी और को नहीं, सिर्फ मुझे वो फादर बनाना चाहते हैं, और मैं अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। बाइबल पढ़ने के साथ साथ मुझे फिल्म देखना, रात में घूमना फिरना, ये सब पसंद था। उस दिन भी दूसरों से नजर बचाकर सेकंड शो फिल्म देखने गया था। उस दिन रोड में मैंने एक खतरनाक, बहुत खतरनाक सीन देखा। मेरी जिंदगी में मेरे दो ही दुश्मन थे, उसमें से एक मेरा बिजनेस पार्टनर था, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, यूसुफ खान। वो मेरे जिंदगी का पहला कत्ल था, दूसरा DIG मरार का होगा, और कोई नहीं, DIG मरार यानी तुम्हारे डैडी। 24 घंटे उन्होंने मुझे कस्टडी में रखा, सर से लेकर पांव तक। मुझे बहुत दर्द हुआ कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, और मुझे कितना मारा था उन लोगों ने, मैं बदला जरूर लूंगा। दुश्मन को कभी माफ नहीं करना चाहिए। मैंने उन्हें मारने की 2 बार कोशिश की, लेकिन वो दोनों बार ही बच गए। उसकी किस्मत अच्छी थी, तेरे डैडी अभी तक जिंदा है। अगर हैदर चाहे तो उस आदमी को कभी भी मार सकता है, लेकिन इसे इस उम्र में मार कर कोई फायदा नहीं है। उसके बेटे को मारूंगा तो वो तड़पेगा और मुझे बहुत मजा आएगा। तो मुझे अब तुझे मारना ही पड़ेगा, हो सके तो मुझे
माफ कर दे। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो मेरे लिए खतरा रहेगा, क्योंकि तू आई विटनेस बन जाएगा। अली नाशी कौन है देखो। इन्हें ले जाकर कहीं फेंको, ले जाओ। तीन चार दिनों तक मैंने किसी से बात नहीं की थी। न्यूज़पेपर में हर रोज दो कत्ल के बारे में समाचार छप रहा था। मैं भी वो सीन बहुत दिनों तक अपने मन में छुपा नहीं पाया। पहले मैंने अपने सेवनिधि के प्रिंसिपल फादर को बताया और बगल में रहे पुलिस स्टेशन में बताया। मुझसे मिलने कोई दिल्ली से पुलिस ऑफिसर आएगा ये सोचा था, लेकिन मुझसे मिलने कोई और ही आया था। इसकी क्या कीमत है? 5 रुपए। ये खरीद सकते हो ना? मैं आज इसकी कीमत पूरे 5 लाख रुपए लगाता हूँ, और भी ज्यादा हो सकता है। अगर तू मेरे खिलाफ गवाही देगा तो कोर्ट मुझे सजा देगी। अगर तू मेरे खिलाफ गया तो मैं तुझे सजा दूंगा। मेरे इन हाथों ने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन मैं एक फादर का खून नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ से निकल जा। निकल जा, निकल जा यहाँ से। हैदर की बात सुनकर मुझे डर से ज्यादा मेरा हौसला बढ़ गया था। भले कुछ भी हो जाए, मैं गवाही देने के लिए तैयार था। मुझे पुलिस पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं नरसिम्हा मडियार से अपनी सारी बातें बताया करता था। हैदर पुलिस का साथ देती है, इसीलिए हैदर ने मुझे बीच रास्ते में रोककर खरीदने की कोशिश की थी। होम मिनिस्टर और आईजी मुझसे कुछ बातें करना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी सारी बातें मडियार को बताना चाहता था, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया। जमींदार को फ़ोन किया। हैदर, प्रताप और वीरसिम्हा को मरते समय मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे किसी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हैदर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कोर्ट में आई विटनेस की कीमत होती है, लेकिन मुझे सच बताने के लिए ज़िंदा रहना होगा। मेरी बात को समझिए सर। हैदर के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहीं छुप गया है। हैदर को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया है। उसके बारे में खबर देने वाले को 2 लाख रुपये इनाम मिलेगा ऐसा कह रहे हैं, फिर भी वो हाथ में नहीं आया। अब हैदर को ढूंढने के लिए मडियार खुद आया है हैदर को मारने। हैदर कहाँ कहाँ छुपा हो सकता है ये जानते हो? जानता हूँ, लेकिन उसके वहाँ रहने का कोई चांस ही नहीं है सर। कहीं वो विदेश तो नहीं चला गया? ए, तुम जानते हो वो पुलिस से नहीं बच सकता। एक जगह है सर, MLA कुट्टी नायर, वो हैदर का जिगरी दोस्त है। कुछ दिन पहले उसे कुलशेखर के बगल में उसे एक स्टेट दिलवाया गया था। तुम्हें जगह पता है? हाँ पता है सर।
हे नसीर, सब जगह नजर रखना, कोई भी नया आदमी आए बिना पूछे उसको अंदर मत जाने देना। सावधान रहना। हमारी जगह किसी ने ढूंढ निकाली। पुलिस के आने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। आगे की सारी व्यवस्था हम करेंगे। हा? कोई शक है क्या? ये हैदर मेडिकल ही है। आप लोगों ने बहुत जाल बिछाया, ये नहीं फंसा। ये सर और इनके पीछे रहने वाले पुलिस वालों ने सब जगह ढूंढा, सब जगह छापे मारे, और इसके बारे में खबर देने वाले को 2 लाख का इनाम देंगे ऐसा भी कहा, फिर भी इस क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाए। कैसे मिलेगा? हैदर से पगार लेने वाले हैदर को कैसे पकड़ेगा? इसलिए बहुत सालों से तुम्हारी मदद से गुंडा बनकर घूम रहा है ये राक्षस, हर जगह गुंडागर्दी की। एक बात बताओ, इस गधे को पुलिस का काम किसने सौंपा? तेरा बाप। इंसान को इंसान की जैसे रहना चाहिए, इस समाज में जानवर बनकर नहीं घूमना चाहिए, समझे? तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो, मुझे जानते हो कौन हूँ मैं? जानता हूँ, लोगों को धोखा देने वाला MLA। 15 साल पहले मेरी सेवा करता था ड्राइवर बनकर, तुम उससे पहले मेरे खानदान में नौकर का काम करते थे। अपने माँ बाप की मदद नहीं करने वाला कुट्टी नायर वास्टर्ड हो तुम, अब कौन हो बताओ? इसे ले जाओ और जो कहा वो इनाम का पैसा किसी अच्छे काम पर लगाओ। जो पकड़ में ना आने वाले इस कातिल को स्टेट के बंगलों से अरेस्ट किया हो, इस मड़ियार को पुलिस का क्रेडिट नहीं चाहिए। अपने पास ही रखो ये क्रेडिट, मुझे नहीं चाहिए। नरसिम्हा, हाफ मैन हाफ लॉयर।
मेरा एक ही दुश्मन है, लेकिन क्या करें, एक शेर को अंदर करवा दिया, मैं क्या हमेशा के लिए अंदर नहीं रहने वाला, समझा? तू ऐसा मत समझना, तू बस अपनी लंबी उम्र की प्रार्थना कर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से की गई अपील से हैदर को सजा मिली और 3 साल गुजर गए। इस बीच मेरा नाम SI सिलेक्शन लिस्ट में है तो बहुत लोग खुश हुए, और ये जानकर मारर सर ने मुझे मेरे आत्मरक्षा के लिए मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। ईश्वर की सेवा से मनुष्य की सेवा बहुत बड़ी होती है। ऐसी बातें मुझे अब पता चली कि न्याय धर्म को मानने वाले के लिए ये काम सही नहीं है। राष्ट्रपति के मरने का दुख समाप्त हो गया। अगले दिन सुबह हैदर को फांसी में लटकाने का ऑर्डर मिल गया उसे सजा देने के बाद। मैं यूनिफॉर्म पहनना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मेरा और 1 साल सर्विस बाकी है बस, लेकिन मुझे और काम नहीं करना, मेरा बहुत हो गया अभी, अब सिर्फ 1 दिन ही बाकी है। मैंने अपने बेटे की अस्थि रखी है सर, उसे काशी या रामेश्वर में विसर्जित करूँगा। साहब जी कहाँ है, लाए हो क्या? हाँ लाया हूँ। मारो मुझे। साहब जी मेरे हाथ से कैसे? गोली मारो मुझे। कम ऑन साहब जी, कम ऑन, शूट मी, शूट मी साहब जी, मुझे दो, इधर से दो ना। जाओ सबको फोन करके मैसेज दे दो, जाओ 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 यार, जाओ मैसेज दे दो सबको, जाओ। क्या गोली लगी है हैदर मडिकर को? हाँ सर, डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर भाई, ड्यूटी वाले डॉक्टर ने कहा कि 10 मिनट में माइनर ऑपरेशन कर देंगे, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? आगे हैदर है। एवरीथिंग इज रेडी? यस डॉक्टर। एनेस्थेसिया दो। यस डॉक्टर। डॉक्टर अब आप क्या करोगे? आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, माइनर ऑपरेशन, बुलेट रिमूव करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, सबको बाहर जाने के लिए कहिए प्लीज। लिसन, प्लीज वेट इन ड्रेसिंग रूम। ओके डॉक्टर। मेरा मेजर ऑपरेशन कर दीजिए, मेरे पैर को काट दीजिए। व्हाट? मेरा पैर काट दूं? ये क्या बोल रहे हो? मेरा पैर काटने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए बताइए, घर पहुंच जाएगा आपके पास, कितना पैसा चाहिए बस मुझे बता दो एक बार। एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के बारे में
जानने के लिए मणिकर को सिक्स सेंस की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की जरूरत है। वो अब खेल खेला है जो मिरार सर को समझ में नहीं आ रहा है। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, अच्छे से समझ लो। मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर कमी है, लेकिन मुझे इस देश के कानून पर भरोसा है। 30 साल की मेरी सर्विस में कानून के विरुद्ध मैंने कोई कदम नहीं उठाया और ना ही आगे उठाऊंगा। मणियार की बात को सुनिए, मैंने जो आपसे वादा किया था अब मैं उसे तोड़ूंगा। सब हैदर को क्यों मारना चाहते हैं? कोई भी किसी को भी मार सकता है क्या? जहां तक मुझे पता है मडियार न्याय चलाने वालों में से है। ऐसा मैंने सुना है कि वो हॉस्पिटल में घायल पड़ा है, उसे मारकर मडियार अपना बदला लेगा। अपने बेटे को बीच सड़क पर मारने वाले पर एक बाप को इतना रहम नहीं आना चाहिए। बात रहम की नहीं है, बात नियम की है। आप अच्छे से जानते हैं कि पैर से घायल हैदर कहां भागेगा। अभी हम क्या करेंगे? उसके दूसरे पैर को काट दें, उसके शरीर के हर भाग को काटते रहें, उसकी जान ले लें? तब तक उसे सजा मैं दिलवा कर रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको भी मेरी बात माननी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। सुनिए ना, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। साहब आपके लिए मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट में एक अपील करनी है। अपील? हमारे अपील को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है? मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए तुम कुछ भी मत बोलो, मेरी बात सुनो। इस साल का महत्व क्या है तुम इस बारे में जानते हो? नहीं। विकलांग दिवस। विकलांग दिवस के दिन कोई भी एक विकलांग को मार नहीं सकता। ये तो बहुत अच्छा लो पॉइंट है साहब। जेल में मेरे पैर में गोली लगी और मेरा पैर काटा गया, ऐसा लिख देना तुम। ये सब बात तुम वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर से कह देना, वहां का वकील मेरा बहुत ही खास आदमी है। निकलो यहां से। इससे आगे क्या होगा ये मुझे पहले से ही पता है। चलकर दिखाइए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। ये देखो, हैदर की फांसी की सजा उम्र कैद की सजा में बदल गई। उम्र कैद की सजा तो उसके लिए अपने घर में रहने जैसा है। वो पैसा फेंकेगा और सारे मंत्री उसी का साथ देंगे, वहां सारी सुविधाएं मिलेंगी। उसे कानून ने सजा दी है और वही उसे बचा रहा है। उस कानून के सामने आपकी ये खाकी वर्दी क्या काम आई? उसे मरने के लिए कानून का डर है, मारने के लिए वो डरेगा? लेकिन सुनो, इन दोनों से मडियार को कोई डर नहीं है। एक मिनट रुकिए। 5 साल पहले मैं आपकी बीवी बनकर आई। जरा मेरे बारे में सोचिए और सोच कर देखिए मेरे भविष्य का क्या होगा।
आप हैदर को मार डालोगे, ये मुझे पता है। कामाक्षीपुरम के लोगों को मडियार के बारे में नई बात करने पर चर्चा का मौका मिलेगा, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। आपने दान में दी हुई जिंदगी खत्म हो जाएगी और क्या होगा। तुम प्रसाद लेकर मेरा इंतजार कर रही हो, ये मेरा बहुत शुभ दिन है। मैंने अपने भाई को खो दिया, लोगों के लिए वो वीर सम्मा हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं। वो मेरा सब कुछ था, उसे हैदर ने बीच सड़क पर काट कर फेंक दिया। सब कुछ भुलाकर जीने वाला मैं ब्राह्मण शूद्र या वैश्य नहीं हूं, मंडियार क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय सब कुछ भुलाकर जीने वाला मैं ब्राह्मण शूद्र या वैश्य नहीं हूं, मंडियार क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय को भी जेल लेकर जा रहे हैं, अभी हम क्या करें? उसे जेल से बाहर लाएंगे। कैसे? रास्ता जरूर है। साहब को पैरोल में बाहर लाने के लिए मैं होम मिनिस्टर से बात करता हूँ, थोड़े दिन के बाद बाहर ला सकते हैं, उनका ऐसा कहना है। मैं नहीं समझा। कोर्ट ने हैदर साहब की सजा कम करी है तो इसके पीछे भी कोई राज छुपा हुआ है ना, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अभी अचानक पैरोल पर बाहर ला सकते हैं क्या? ला सकते हो। मैं यहाँ से बाहर जाकर कुछ लोगों के साथ मुझे हिसाब किताब बराबर करना है, कामाक्षीपुरम के मडियार और डीआईजी मरार के साथ। बस वो हिसाब चुकाने के लिए आपको जेल में रहना ज़रूरी है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आएगा। साहब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर आने का इंतज़ाम मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करिए ना, मैं हूँ ना। हाँ भाई, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, डीआईजी ने रिजाइन कर दिया है, वो भी अपने बेटे की अस्थि लेकर काशी जाने वाला है। मिस्टर मरार, तुम हो? तुम जेल से बाहर कैसे आ गए? बस चलकर आ गया। जेल का कोई भी दरवाजा हैदर के लिए अपने आप खुल जाता है। मुझे पता चला कि तुम अपने बेटे की अस्थि लेकर काशी जाने वाले हो। काशी जाने से पहले तुम्हें मेरी तरफ से कुछ इनाम देना जरूरी है, हम दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा है ना। रामदास, इसे मारो। मारो इसे। साहब जी, डरते क्यों हो? ताकत लगाकर जोर से थप्पड़ मारो। उस दिन जेल में इसने तुमसे मुझे थप्पड़ मरवाया,
वो हिसाब हैदर अभी तक भूला नहीं। नहीं, नहीं, ये मेरे बेटे की अस्थि है। जानता हूँ, मुझे फांसी में लटकाने के बाद तुम ये अस्थि गंगा में बहाना चाहते थे ना। काशी में मिलने वाली अस्थि को अब गटर में मिला देंगे। चांद नहीं हैदर, वैसा वैसा कुछ मत करो। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ दो। नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुमने गलत किया। हैदर तुमने गलत किया है। मरार सर को यहां लाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, लेकिन अभी उनकी कंडीशन, अभी तो कुछ भी बोल नहीं सकते, फिलहाल क्रिटिकल हैं। 48 घंटे के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। मरार सर मैं मंडियार, अस्थि को उसने गटर में फेंक दिया। उस दिन हैदर को अरेस्ट करके सत्य जीत गया था, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होनी चाहिए। उसे तुम छोड़ना मत मंडियार, तुम्हें जीतना ही होगा, हर हालत में तुम्हें जीतना होगा। हैदर से कौन मिलने आया बताओ? हैं? मैं हूं नरसिम्हा मडियार। अस्थि को जहां गंगा में विसर्जित करना था, लेकिन तुम उसकी कीमत नहीं जानते हो। सरकार और कानून तुम्हारा साथ दे रही है, इसलिए तुम और तुम्हारे सारे लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अब तुम्हारा खेल खत्म। बाला तुम जाओ, कल सुबह आना। तुम यहां कैसे? मैं कैसे आया इसके बारे में मत सोचो। Thank you.
हैंड्स अप। यूनिफॉर्म पहनकर तुमने अब तक कोई अच्छा काम नहीं किया है। एक थर्ड क्लास गुंडे के लिए पिताजी के बराबर की उम्र के आदमी को तुमने मारा है, समझे नरीमन? नरीमन, इसे थप्पड़ मारो। विद प्लेजर सर, मैं अपने काम से रिजाइन करने से पहले एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा सुपीरियर ऑफिसर हूँ। मारर सर कौन थे? तुम्हारे सुपीरियर ऑफिसर थे, पर उस आदमी पर हाथ उठाने से पहले कुछ याद नहीं आया? सैल्यूट करने वाले हाथ से अब मार खाने का मजा आ रहा है ना? सैल्यूट करने वाले हाथों से मार खाने में मजा आया? तुम्हारे गांव में तुम्हारा सारा परिवार इंतजार कर रहा है, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं मैं। वो चला गया सर। एक्सक्यूज मी, मिस्टर फर्नांडेज फ्रॉम मुंबई, उनका रूम नंबर कौन सा है? 506। केस क्या है? मारपीट का सर, एक दिन का रिमांड भी है। सब जेल में जगह नहीं है क्या? सब जेल में जगह नहीं है, इसीलिए तो यहां पर आए हैं। यहां साइन करो। ठीक है, इन दोनों को जेल के कपड़े दे दो। तुम्हारा भाई मरा तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है? तुम हो? हाँ, मैं मंडियार हूँ।
जेल मंडियार के लिए भी खुलता है। मेरे भाई को तुमने मार डाला? हाँ मैंने ही। तुमने मेरे इकलौते भाई को मारा तो मुझे कितना दुख हुआ था, पता भी है तुम्हें? मैं तुम्हें मार डालूंगा ऐसा सोचने वाले, बदले के बदले बदला लेने वाला, मैं तेरे जैसे थर्ड क्लास का गुंडा नहीं हूं। तू यही मरेगा, लेकिन मरने से तू बहुत डरता है, पर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मंडियार को डर नहीं है इस बात का, तुम जिंदा नहीं बचोगे। झूठ है, सफेद झूठ है। मार पीट करके रिमांड में आना, यह सब उनकी चाल है। उसने ही मेरे भाई को मारा है। अब यहां मुझे मारने आया है, यह उनकी चाल। चिंता मत करो, जब तक मैं इस जेल में हूं आपका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। नाम यार, तुम मटियार के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं हमेशा उसे ऐसे ही हाफ मैन हाफ लायन नहीं कहता हूं, वो मेरा इकलौता दुश्मन है, इसलिए कह रहा हूं मैं। उसे इस जेल से बाहर करना होगा। वो रिमांड में आया है सर, मैं उसे कौन से कारण से बाहर कर सकता हूँ? मुझे मारने के लिए मटियार से तुम्हें कितने पैसे दिए हैं बताओ मुझे? नहीं साहब, मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकता हूँ। तो फिर मुझे इस जेल को बदलना होगा। लेकिन कहाँ, कैसे करेंगे? इस स्टेट में बहुत सारी सेंट्रल जेल है। आप जानते हैं कि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता हूँ, किसी भी हालत में तुमसे नहीं हो सकता ये काम। तो तुम एसपी रामदास से कहो। रामदास सर लॉन्ग लीव लेकर अपने गांव गए हैं, ये बात आपको पता नहीं? तो तुम होम मिनिस्टर से बात करो। होम मिनिस्टर से मैं कैसे बात कर सकता हूँ? बात करो, तुम ही बात करोगे। मेरे मंत्री से कह देना कि बहुत पैसा लिया है, तुम बात करना। हैदर मडिकर ने कहा ऐसा बोलना। क्या है नरीमन? कल रात को यहाँ से हैदर को कुन्नड़ जेल में ट्रांसफर करने का ऑर्डर आया है। तो वो हमारी वजह से अपनी चालें चल रहा है ना? हाँ। तुम्हारा साथ देने वाला कोई तो जेल में होगा। हाँ है। मैं चलता हूँ नामयार। हाँ। थॉमस और तुम्हारा कन्नौज जेल में ट्रांसफर करवा दूंगा, चिंता मत करो। मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ। लगता है वो लोग रास्ता भूल गए। तुम्ही से कह रहा हूं कि गाड़ी रोको। हाँ।
ए गाड़ी रोको, तुमसे कह रहा हूं गाड़ी रोको। ये गाड़ी नहीं रुकेगी, ये गाड़ी जहां रुकना चाहिए सिर्फ वहीं पर जाकर रुकेगी, वहीं पर रुकेगी। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये देखो बॉम्ब, टाइम बॉम्ब, मैं सबको लेकर मर जाऊंगा। नहीं गोली मत चलाना, नहीं। चलो चाल मैं समझ गया, मडियार के जैसे तुम भी मडियारी हो। हथियार नीचे फेंको। तुम्हें तो मैं चाहिए था ना, लेकिन पुलिस वालों को क्यों मार रहे हो? हैं मडियार उसूल के पक्के होते हैं ना, तुम में ताकत है तो मुझसे लड़ो ना, या फिर मुझसे लड़ने की तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। नरीमन, हैदर की हथकड़ी खोल दो। सर। बद्रा, चाबियां दो।
हैदर, तुम कानून से बच सकते हो लेकिन मंडियार से कभी नहीं बच पाओगे। तुम्हारे गुनाह की सजा मैं जरूर दूंगा। हत्या के केस में नरसिम्हा मडियार को आईपीसी इंडियन पैनल कोड 302-324 के आधार पर शरीर से जान निकालने तक नरसिम्हा मडियार को ये कोर्ट फांसी की सजा सुनाती है और अपना सारा गुनाह कबूल करने से दूसरा गुनहगार भद्रा, जो सरकारी गवाह बन गया, के लिए ये कोर्ट उसके सारे गुनाहों को माफ करती है। काशी, तुम्हारे महाराज ने बताया कि तुम अपने खानदानी पेशे को जारी रखोगे। मुझे फांसी पर लटकाने के लिए तुम्हें चाहिए, तुम्हें चाहिए। भगवान, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए थी लेकिन मुझे सरकारी गवाह बनाकर माफ कर दिया गया। तुमने मेरा साथ दिया, मैं तुम्हें कैसे सजा दिलवा सकता हूं। आगे बहुत बड़ी जिंदगी है मैथिली। मेरे दादाजी कहा करते थे, वीर एक बार मरता है लेकिन डरपोक बार बार मरता है। चुप हो जाओ, तुम्हारा मडियार वीर बनकर फिर से लौटेगा। कामाक्षी देवी माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। मैं शरीर से साथ नहीं तो मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है, हमेशा रहेगी।